नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पार्ट चार, देहात और शहर का प्रश्न और उत्तर। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला खोजबीन में क्या दिया गया है कि डाकघर से प्राप्त सेवाएं बताओ और संकेत स्थलों से अन्य सेवाएं ढूंढकर उनकी सूची बनाओ। तो देखो, यहाँ पे सेवाओं के नाम और कब ली जाती है, तो इसके बारे में हमने पूरा एकदम विस्तार से लिखा है, मैं आप लोग को बताना चाहूँगी। तो देखो, यहाँ पे सेवाओं के नाम में सबसे पहला क्या है, पत्राचार। तो ये कब लिया जाता है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश भेजने के लिए। फिर दूसरा क्या है, रेलवे टिकट आरक्षण। तो ये कब लिया जाता है, लंबी दूरी की यात्रा के लिए। सुकन्या समृद्धि योजना, तो बालिकाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए। मनी ऑर्डर, पैसे भेजने के लिए। पार्सल, वस्तुएँ भेजने के लिए। वृद्धावस्था पेंशन, वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता के लिए। आरटीआई की आवेदनों, आरटीआई आवेदनों की ऑनलाइन स्वीकृति, तो लोक प्राधिकारियों से जानकारी प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका जो उत्तर था वो पूरा कर लिया है। आप लोग को भी ऐसे ही करना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए अभी विचार मंथन देखेंगे। तो इसमें क्या दिया गया है ना कि गाँव का विकास, देश का विकास, इस विषय पर संवाद सुनो और सुनाओ। देखो बच्चों, संवाद क्या होता है, जैसे इंग्लिश में इसको हम लोग कन्वर्सेशन बोलते हैं, बातचीत। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि गांव का विकास, देश का विकास, इस बारे में संवाद है यहाँ पर, मतलब कन्वर्सेशन है। तो मैं आपको पढ़ करके बताते जाती हूँ, आप लोग अगर चाहिए तो ये आप लिख सकते हैं। गुरुजी कक्षा में प्रवेश करते हैं, मतलब जो टीचर जी हैं वो कक्षा में आते हैं, क्लास में आते हैं, सभी बच्चे खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं, है ना। जब टीचर्स आते हैं तो आप लोग कैसे गुड मॉर्निंग बोलते हो, है ना, उनका सम्मान करते हो, तो उसी तरह से सभी बच्चे खड़े होकर के करते हैं। फिर गुरुजी सभी को बैठने के लिए कहते हैं, है ना। जब आप क्लास में रहते हो, फिर कोई टीचर आया तो आप लोग खड़े हो जाते हो, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, इस तरह से। तो सर क्या बोलते हैं, सेट डाउन, फिर वो आपको बिठाते हैं, राइट। तो इसी तरह से इनके क्लास में भी होता है। अब गुरुजी क्या कहते हैं, इट मीन्स जो हमारे टीचर जी हैं वो क्या कहते हैं कि बच्चों, आज हम देश के विकास पर चर्चा करेंगे, मेरे प्रश्नों को सभी ध्यान से सुनना और तुम्हें जो लगता है वह उत्तर देना। देखो गुरुजी ने क्या बोला, मतलब जो टीचर जी थे उन्होंने क्या बोला कि बच्चों, आज हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे, तो देश के विकास पर चर्चा करने वाले हैं, मेरे प्रश्नों को सभी लोग ध्यान से सुनना और जो भी तुम्हें ठीक लगे उसका आंसर बताना। ठीक है, तो सभी बच्चे एकदम उत्सुकता के साथ क्या कहते हैं, हाँ गुरुजी, हम तो बताएंगे उत्तर। तो गुरुजी क्या कहते हैं, देखो बच्चों, यहाँ पे गुरुजी प्रश्न पूछ रहे हैं कि बच्चों यह बताओ कि देश के संपूर्ण विकास के लिए गांव का विकास आवश्यक होता है, कैसे। क्या पूछा गुरुजी ने कि बच्चों ये बताओ कि देश के संपूर्ण विकास के लिए, मतलब अगर हमारे देश का विकास हमको चाहिए तो गांव का विकास आवश्यक होता है, ऐसा क्यों, कैसे। ठीक है, ऐसा वो प्रश्न कर रहे हैं कि अगर आपको देश का विकास चाहिए तो गांव का विकास क्यों होना चाहिए। तो उमेश क्या कहता है, उमेश खड़े होकर के कहता है कि गुरुजी, मतलब वो अपने गुरुजी को बोल रहा है, गुरुजी एक देश में कई गांव होते हैं, इसलिए गांव का विकास होने पर देश का विकास अपने आप हो जाएगा। देखो उमेश ने कितनी अच्छी बात कही, क्या बोला उमेश, उमेश क्या बोला कि गुरुजी एक देश में कई गांव होते हैं, जैसे हमारे देश अगर भारत की बात करें तो यहाँ पे कितने सारे गांव हैं। तो अगर आपको भारत का विकास करना है तो गांव का विकास जब आप करोगे तो जो भारत है हमारा, इसका विकास तो अपने आप ही हो जाएगा ना। तो बस उमेश ने यही बोला। तो फिर गुरुजी क्या कहते हैं, बहुत अच्छे उमेश, भारत देश गाँव का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ गाँवों की संख्या सबसे ज़्यादा है। अब मुझे कोई बताओ कि गाँव का विकास कैसे होगा या हो सकता है। गुरुजी बच्चों की ओर देख रहे हैं, सभी बच्चे सोच विचार कर रहे हैं, तभी गणेश खड़ा होकर कहता है। देखो क्या होता है ना कि जब उमेश ने ऐसा उत्तर दिया तो गुरुजी बहुत खुश हुए, उसको बोले बहुत अच्छा उमेश, तुमने सही में अच्छा उत्तर दिया है। भारत देश किसका देश है, गांव का देश है, अभी मैंने आप लोग को बताया, इसलिए अगर गाँव का विकास हो जाए तो भारत देश का विकास तो अपने आप ही हो जाएगा, बराबर है कि नहीं। फिर यहाँ पे ये प्रश्न पूछ रहे हैं गुरुजी कि अब मुझे ये बताओ कि गांव का विकास कैसे होगा। क्या पूछा उन्होंने कि चलो इतना तो हम समझ गए कि अगर हमको देश का विकास चाहिए तो हमें गांव का विकास करना पड़ेगा, लेकिन गांव का विकास होगा कैसे, ऐसा गुरुजी ने पूछा। तभी गणेश जो है वो खड़े होकर के क्या कहता है, गुरुजी गाँव का विकास करने के लिए मूलभूत सुविधाओं की आपूर्ति करनी होगी, मतलब अगर हमको किसका विकास करना है, गांव का विकास करना है, तो जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत मतलब क्या, जो भी हमारी आवश्यक सुविधाएं हैं, ठीक है, उनकी आपूर्ति करनी होगी। जो हमारा गांव है वहां पे स्कूल होना चाहिए, हॉस्पिटल होने चाहिए, और भी जो भी आवश्यक सुविधाएं होती है, जैसे शहर में होता है
वैसे गांव में भी होना चाहिए, तो इस तरह से गांव का विकास होगा, ऐसा गणेश ने बताया। तो मोनू क्या कहता है, पानी बिजली सड़क यातायात के आधुनिक साधन के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में अत्याधुनिक विकसित तकनीक भी अपनानी होगी, तभी गाँव का विकास होगा ना गुरु जी। देखो अभी इसने भी बताया कि गांव का विकास कैसे होगा, तो पानी बिजली सड़क यातायात के आधुनिक साधन के साथ साथ क्या क्या होना चाहिए। देखो सबसे पहले तो पानी होनी चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए गांव में, तभी वो गांव के लोग अच्छे से रह पाएंगे। उसके बाद बिजली सड़क, सड़क भी होनी चाहिए ना आने जाने के लिए। जैसे कि हम अभी गांव में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे अभी भी उतने साधन नहीं होते जितने होने चाहिए। वहाँ पे लोगों को अगर कहीं पे जाना होता है तो 10 बार सोचते हैं कि अभी जाएं कि नहीं जाएं, जाएंगे तो इतना टाइम लगेगा, क्योंकि कोई कुछ होता नहीं ना, कोई यातायात कुछ नहीं, उन लोग को पैदल जाना पड़ता है या फिर अपनी साइकिल लेकर के जानी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पानी बिजली सड़क और यातायात। मतलब यातायात क्या होता है, जैसे कि यातायात मतलब जो भी वाहन होते हैं ना वो आ गए यातायात में। ठीक है, तो ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए और इसी के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य भी होना चाहिए, तभी तो गांव का विकास होगा ना गुरुजी, ऐसा मोनू ने बोला। तो गुरुजी क्या कहते हैं, बहुत अच्छी बात बताई तुम दोनों ने, शाबाश। फिर दोनों को एकदम शाबाशी देते हैं, गणेश और मोनू को कहते हैं वाह वाह तुम दोनों ने बहुत ही अच्छी बात बताई। ठीक है, फिर गुरुजी आगे बढ़ते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि देश के विकास में गाँव की भूमिका के साथ साथ देश का प्रत्येक नागरिक अपना योगदान दे सकता है। फिर इन्होंने क्या कहा कि देश के विकास में गांव की भूमिका के साथ साथ, मतलब गांव तो उसमें रहेंगे ही लेकिन हर एक नागरिक अपना योगदान इसमें दे सकता है। तो अभय क्या पूछता है, क्या मैं भी देश के विकास में अपना योगदान दे सकता हूँ। फिर उन्होंने क्या पूछा, अभय ने क्या पूछा कि गुरुजी मुझे ये बताइए कि क्या मैं भी अपने देश के विकास में योगदान दे सकता हूँ। तो गुरुजी क्या कहते हैं, हाँ अभय तुम भी और कक्षा के सभी बच्चे देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। क्या कहते हैं अभय, गुरुजी क्या कहते हैं कि हाँ अभय तुम भी और कक्षा के सभी बच्चे देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। तुम सब पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, नेता तथा कलाकार बन सकते हो और अपने अपने पिछड़े गाँव में अपना ज्ञान बांटकर उसका विकास कर सकते हो। ठीक है, तो गुरुजी अभी क्या बोल रहे हैं, तो बच्चों गाँव का विकास करने के लिए आधुनिक से आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन जैसी सुविधाओं को और बेहतर बनाना होगा, समझे। ठीक है, तो ये था संवाद, मतलब कन्वर्सेशन गुरुजी और बच्चों के बीच में, किस विषय पर था, अगर हमको देश का विकास चाहिए तो गांव का विकास होना ही चाहिए, गांव का विकास देश का विकास, समझे। अब यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, बताओ तो सही, क्या बताना है आप लोगों को, हिंदी की विभिन्न बोलियों के नाम बताओ और उनसे संबंधित प्रदेशों के नाम लिखो। ठीक है, देखो बच्चों जो यहाँ पे विभिन्न बोलियाँ हैं हिंदी की, जैसे कि अगर मैं बात करूँ भोजपुरी की, ठीक है, तो भोजपुरी अगर, जैसे आप अगर भोजपुरी नहीं बोल पाते कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई बोलता है तो आप उसको समझ सकते हो। ठीक है, समझ सकते हो, वैसे ही ब्रज भाषा भी होती है उसको भी आप समझ सकते हो, अगर आप बोल नहीं सकते, ठीक है, लेकिन समझ सकते हो। क्यों समझ सकते हो, क्योंकि आपको हिंदी आती है, समझ रहे हो ना। तो इसी तरह से आपको ये जो भी हिंदी की विभिन्न बोलियां हैं, हिंदी जैसा ही है बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, तो उन बोलियों के नाम लिखने हैं और फिर वो किस प्रदेश से संबंधित है वो नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी यहाँ पे ब्रज भाषा की, तो ये कौन से प्रदेश से संबंधित है, तो ये है उत्तर प्रदेश से संबंधित। ठीक है, फिर उसके बाद भोजपुरी, तो भोजपुरी किससे संबंधित है, बिहार से। मारवाड़ी राजस्थान से, है ना, राजस्थान में मारवाड़ी बोली जाती है। फिर दक्कनी, ये कहाँ से संबंधित है, तो दक्कन का पठार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। गढ़वाली, ये उत्तराखंड से। और कुमाऊनी, ये सभी बोलियाँ हैं, ठीक है, उत्तराखंड से। अवधी, तो उत्तर प्रदेश। और मगधी, बिहार। ठीक है, ये हो गया, अब मैंने समझा। तो बच्चों ये जो पार्ट है ना, इसको पढ़ने के बाद आपने क्या समझा वो आपको लिखना है, तो आप जो समझे रहेंगे वो आप लिख देना, मैंने जो समझा है वो मैंने यहाँ पर लिखा है। क्या समझी मैं, तो डिजिटल क्रांति के माध्यम से गांव के लोग जागरूक होने लगे हैं। सही बात है ना, अभी डिजिटल की वजह से गांव के लोग भी कितने जागरूक हो गए, आपने देखा होगा। सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं का लाभ भी उन्हें काफ़ी हद तक मिलने लगा है। इसके बावजूद भी बढ़ती जनसंख्या और शिक्षा व रोजगार की समस्या के कारण लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। इससे शहर की भी आबादी तेजी से बढ़ रही है और प्रदूषण भी बढ़ रहा है। जगह जगह झुग्गी झोपड़ियों का निर्माण होने लगा है जिनमें रहने वाले लोग मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। वाचन जगत से, तो अभी इसमें क्या दिया गया है, कहाँ गया, हाँ ये देखो, गांव संबंधी सरकारी योजनाओं की जानकारी पढ़ो और मुख्य बातें बताओ। देखो आपको गांव संबंधी जो भी सरकारी योजनाएं होती है ना उनके बारे में आप लोग को पढ़ना है और जो भी उसकी मुख्य बातें हैं वो बताना है।
तो देखिए आप लिखा है गांव संबंधी कुछ सरकारी योजनाएं निम्नलिखित हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जिसमें सड़क बनवाए जाते थे, फिर सांसद आदर्श ग्राम योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अब यहाँ पे अगला क्या है, स्वयं अध्ययन। तो इसमें क्या दिया गया है, देखो यदि सार्वजनिक यातायात के साधन नहीं होते तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता, लिखो बच्चों। देखो अगर सार्वजनिक यातायात के साधन नहीं होते, सार्वजनिक यातायात मतलब क्या, जैसे कि अभी आप अपने घर से निकले, ठीक है, अभी आपको अपने घर से कहीं पे जाना है तो आप क्या करते हो, या तो बस करते हो, ट्रेन से जाते हो या फिर रिक्शा से जाते हो, तो ये क्या है, सार्वजनिक यातायात के साधन है ना, मतलब ये सभी के लिए, ऐसा नहीं कि वो किसी का पर्सनल है। अगर ट्रेन है तो किसी का पर्सनल है क्या, नहीं, सब लोग इसमें जा सकते, बराबर। तो ये क्या हो गया, सार्वजनिक यातायात। तो अगर ये सभी साधन नहीं होते, सार्वजनिक यातायात के साधन नहीं होते तो इन पर क्या क्या प्रभाव पड़ता, गाँव में क्या प्रभाव पड़ता, शहर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता, महानगर के ऊपर क्या पड़ता और देश के ऊपर कौन सा प्रभाव पड़ता, वो आप लोग को बताना है। तो देखिए मैंने इसका उत्तर लिखा हुआ है, तो जीवन व विकास में गति लाने के लिए यातायात के साधनों का होना अति आवश्यक है ना। यातायात की वजह से तो हमें हमारा जो जीवन है वो इतना तेजी वाला हो पाया है, क्योंकि हम क्या करते हैं, अगर हमको कहीं भी जाना है तो हम तुरंत गाड़ी मतलब रिक्शा करते या फिर ट्रेन बस, इससे हम बहुत ही जल्दी पहुंच जाते हैं, बराबर। तो बस यहाँ पे वही दिया है, विशेषकर सार्वजनिक यातायात साधनों की, यदि गाँव में सार्वजनिक साधन नहीं होंगे तो किसान फसलों का आयात निर्यात नहीं कर पाएंगे, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए गांव में आज भी अधिकांशतः सार्वजनिक यातायात साधनों का ही उपयोग किया जाता है, उनकी अनुपस्थिति में जनजीवन की गति व विकास ठप पड़ जाएगा, शहरों व महानगरों में व्यापार व कारोबार अधिक होता है, लेकिन सार्वजनिक यातायात के साधनों के नहीं रहने पर पूरा कामकाज ठप पड़ जाएगा। उच्च वर्ग तो किसी तरह अपने निजी साधनों से यातायात संबंधी जरूरतें पूरी कर लेगा, लेकिन निम्न व मजदूर वर्ग पूरी तरह परेशान हो जाएगा। सही बात है ना, देखिए जिसके पास पैसा है वो लोग तो अपनी गाड़ी से काम चला लेंगे, लेकिन जो बेचारे जिनके पास कोई गाड़ी नहीं, कोई साधन नहीं, उनका क्या होगा, है ना। तो अगर ये यातायात के सार्वजनिक साधन ना हो तो बहुत सारी परेशानियाँ होंगी। यदि गांव शहर व महानगर में सार्वजनिक यातायात के साधन नहीं होते तो लोगों के साथ ही देश भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़ जाता, ठीक है। अब यहाँ पे अगला क्या है, वाक्य के सामने सही या गलत चिन्ह लगाओ। देखो यहाँ पे और क्या है, खेल ग्रामीण जीवन की आत्मा है, तो ये सही है। आ क्या है, गाँव में बीमारियां है पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल है, तो ये क्या है, गलत है, ऐसा नहीं है, ठीक है। कारण लिखो, अब आपको कारण लिखना है बच्चों। तो पहला है इसमें गांव में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं, तो इसका कारण क्या है, तो देखो इसका उत्तर दिया गया है कि गांव के कुछ अशिक्षित और अल्प शिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, रोजगार के तलाश में लोग शहर जा रहे हैं, इसलिए गाँव में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। छह है यहाँ पे, शहर परेशान हो उठा, तो शहर क्यों परेशान हो उठा, इसका कारण क्या है, तो इसका उत्तर देखो, गांव के लोग रोजगार की तलाश में शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, जिससे शहर की आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है, शहर अब इमारतों के जंगल में तब्दील हो गया है, शहर में प्रदूषण भी तेजी से बढ़ रहा है, इन सभी परेशानियों के कारण शहर परेशान हो उठा है। जो है यहाँ पे देखो, गाँव बहुत उदास हो जाता है, तो गाँव क्यों उदास हो जाता है, इसका उत्तर देखो, एक जमाने में गांव में बहुत खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी, पर अब पहले जैसी रौनक नहीं रही, जनसंख्या निरंतर बढ़ती ही जा रही है, गांव अब असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरता जा रहा है, इन्हीं बातों को सोचकर गांव बहुत ही उदास हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये था कारण जो मैंने आप लोग को बताया, आप लोग भी इसको लिख लीजिएगा। आगे चले तो आगे है भाषा की, और इसमें आपको करना क्या है, तो देखो निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलो और वाक्य बनाकर लिखो। देखो बच्चों यहाँ पे ये जो शब्द दिए गए, जैसे चाची, बालक, अध्यापिका, अभिनेता, इनके ना लिंग आप लोग को बदलने, जैसे अगर वो पुल्लिंग रहेगा तो स्त्रीलिंग करना है, अगर स्त्रीलिंग रहेगा तो पुल्लिंग करना है, ठीक है। और फिर उनका वाक्यों में प्रयोग भी करना है, जैसे यहाँ पर मैं बात करूंगी चाची की, तो चाची का लिंग बदलो, क्या होगा चाचा, है ना, चाची क्या स्त्रीलिंग, चाचा क्या हो जाएगा पुल्लिंग, बराबर। तो क्या लिखोगे, चाची, ठीक है। अब इसका आपको चाची का चाचा होगा, ठीक है, चाची का ना चाचा होगा। अब इसका वाक्य में प्रयोग करना है, मतलब इसका यूज करके आपको वाक्य बनाने, मतलब सेंटेंस बनाने। तो देखिए यहाँ पे मैंने बनाया है कि चाचा जी प्रकल्प में मेरा मार्गदर्शन करते हैं, तो यहाँ पे चाचा आ गया ना, बस।
फिर दूसरा क्या है, अध्यापिका। तो अध्यापिका का लिंग अगर आप बदलोगे तो क्या हो जाएगा, अध्यापक, है ना, क्या हो जाएगा बच्चों, अध्यापक। अब इसका उपयोग करके आपको सेंटेंस बनाना है। देखो, विद्यालय में प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग अध्यापक होते हैं, ठीक है। अगला है अभिनेता, तो अभिनेता का क्या हो जाएगा, अभिनेत्री, अभिनेता का अभिनेत्री। इसका उत्तर देखो, इसका वाक्य देखना, तो नाटक में अच्छा अभिनय करने पर गायत्री को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। उसके बाद क्या है, गुड़िया, तो गुड़िया का अगर आप लिंग बदलोगे तो क्या हो जाएगा, गुड्डा। तो देखो, सीमा ने मेले से एक सुंदर गुड्डा खरीदा। और ऊंट का क्या होगा, ऊंटनी, तो ऊंटनी अपने बच्चों के साथ चारा खा रही थी। छठा, ससुर का क्या हो जाएगा, सास, लिंग बदलो, ससुर का सास, है ना, सास ससुर होता है ना, तो बस सीमा अपनी सास का बहुत सम्मान करती है। हंसनी, अभी हंसनी का लिंग बदलो तो हंस हो जाएगा। तो देखो, चिड़ियाघर में प्राय हंस देखने को मिल ही जाते हैं। फिर आठवा क्या है, बालक है, बालक, तो बालक का लिंग बदलेंगे तो बालिका। तो देखो यहाँ पे लिखा है वह बालिका सुरीला गाना गाती है, ठीक है, वह बालिका सुरीला गाना गाती है। इस तरह से हमने वाक्य में भी इनका प्रयोग कर लिया है, ठीक है। तो बस यहाँ पर हमने ये जो हमारा पार्ट था ना, देहात और शहर, इसका प्रश्न और उत्तर कंप्लीट कर लिया। और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को इस पार्ट का प्रश्न उत्तर समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए, अभी अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।